I will definitely work on it. Thank you! Yay! So far, I don't want any money for this event, huh, by the way. It's done for me. Okay, sir, ek sawal jo main aapse puchna chahti thi sabse pehle, to you know, even before that you had got this going, sare singles ke jo trend hai, maine ek baar aapse pucha tha ki ye काश वो 90s का early 2000 का जमाना जो था वो वापस आ जाता, when you know music was just music, it was not Bollywood or films for us, and you have done that again. How do you feel about it? एक revolution आप लेकर के आ गए हैं फिर से इंडस्ट्री. Absolutely, वही एक mind frame में था कि जो music है उसको music की तरह treat किया जाए, not like only Bollywood song. That's why these many singers are coming up. एक और बात है, इसके पहले जो मैं रहूं या ना रहूं हो या फिर अब ये वाला गाना हो यही हूं मैं, दोनों में एक मिस्ट्री पे छोड़ा है. पिछले वाले गाने में पता नहीं चला आखिर लव स्टोरी का क्या हुआ, इस वाले में भी पता नहीं चला आखिर बैंड मेंबर्स कहाँ गए. सो आपके एक और नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं कि अब गानों के भी सीक्वल आएंगे. सो यही हूँ मैं पार्ट टू कमिंग अप. आई थिंक सो, वो करना पड़ेगा जल्दी. जिस तरीके के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, वी हैव टू डू दैट ओनली. सर ये याद रखिएगा, ये आइडिया मेरा था, ठीक है, थोड़ी सी रॉयल्टी. थैंक यू सो मच सर, प्लीज हैव अ सीट. ऑलराइट, इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जिन्होंने इस वीडियो को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है, द डायरेक्टर ऑफ दिस. सर तो ये बताइए सबसे पहले तो कि ये जगह कहाँ थी? It looks like such a picturesque place that we would definitely want to go there. Yeah, this is a place called Chell. It's in Himachal. Oh yes. And it's really, it's sort of about 3 hours from Chandigarh. Very pretty place. And it must be like what, 2 degrees over there or something? Yeah, you can see in that shot, Yami is walking and she's shifting. It's actually really early morning, 6:37. It's really cool. I know about that because I just came back from Chell and I went to Panchkula, something like that, right? Yeah, so people were talking about you there. So actually, जब ऐसी चीजें बन जाती है ना, तुम कमाल की बन जाती है. ज़्यादा मेहनत डालने तो creativity नहीं बचती. You know, everybody around here is wishing that they had a job like you. Yeah, मेहनत क्या होता है? हो जाता है. We're all having fun, yeah. Yes, we are. Thank you so much, sir. Along with this, अभी हम उनको बुलाने वाले हैं जिनका इंतजार आप लोग कर रहे हैं, the handsome, the stunning, the Khurana. Yeah, once again that. Yeah. Hi, how are you? I'm good. I'm the best. Namaskar, sir. Salaam. All right. Good afternoon. सबसे पहले तो मैं ये रख करके, नहीं आप खड़े रहिए. ये इसमें मैंने देखा कि आप सिंगर के साथ में डांसर कोरियोग्राफर टाइप के भी थे, तो एक स्टेप है जो कि आप सिखाते हैं, ये मुझे भी सिखाइए ना प्लीज, उसके बाद पूछेंगे हम आपसे. कम ऑन यार, दिली तमन्ना है मेरी, है ना? ऑलराइट, आप अपनी सारी तमन्ना यहाँ पूरी कर रहे हैं, गाने की तमन्ना उनसे पूरी करवा रही है, डांस की मेरे से पूरी करवा रही है, क्या चाहती है हमारी? बस बस ये तो जरूर चाहती हूँ मैं. Then you were fooling around. आपने मूवीज किया है, मूवीज में भी आपने ऐसे गाने बनाए हैं जो कि सुपर 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 डुपर हिट रहे हैं, लेकिन ऐसे सिंगल्स बनाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर मूवीज के अंदर वो एक जो गाना होता है? इनफैक्ट सिंगल्स में एक क्वालिटी होती है, एक थॉट की क्लैरिटी होती है. मूवीज में ब्रीफ मिलता है कि आप ये सिचुएशन ऐसा गाना बना दो. सिंगल्स में क्या होता है कि दिमाग में पहले से सिचुएशन होती है, आप एक गाना बना देते हैं. सो आई थिंक इट्स मोर ग्रैटिफाइंग एज एन आर्टिस्ट, इवन फॉर द कंपोजर, फॉर द डायरेक्टर, फॉर कंसेप्चुअलाइजर, फॉर एवरीबॉडी, इन फैक्ट फॉर प्रोग्रामर, हर एक के लिए. तो आई थिंक सिंगल्स में एक ज्यादा आपके पास फ्रीडम होती है एंड यू कैन जस्ट फ्लाई विद द सिंगल्स. वो एक सवाल जो सबके दिमाग में वो ये है कि आखिर ये सिंगर्स, ये बैंड मेंबर्स गए कहां? कहां गए? ऐसे कहां गए? हां, मौका मिल गई वादियों में. शुड आंसर दैट, आई डोंट नो. इन फैक्ट आई थिंक कॉन्सेप्ट के बारे में वो बताएंगे, बट आई थिंक ये वही था कि इसके एंड में ओपन एंडेड है. yes. कि वो है या नहीं है, मतलब मैं यही हूँ, मैं वो बोलता है, मैसेज आता है उसे, मे बी द गाइज देयर, ही इज अलाइव, मे बी शी इज हैप्पी, और मे बी शी इज हैलुसिनेटिंग. सो इट्स जस्ट ओपन एंडेड, इट्स लेफ्ट टू द ऑडियंस टू नो. मेबी इट्स एन एलियन अब्डक्शन. एग्जैक्टली, दैट्स बोलने वाले इंटरप्रिटेशन. Which is very interesting. थोड़ा स्कैरी भी हो सकता है. चैल देखा है मैंने, रात में बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है. उसमें एक मैसेज ऐसा आना, यही हूँ मैं. I'm like, oh my God, बताओ. मत जाएगा वहाँ पे. किसने कहा मैं अकेली गई थी, ये बताइए. All right, that was Ayushman Khurana. Thank you so much. With this,
रोजर कोहली ने ये जो म्यूजिक है इसे कंपोज किया है एंड आई वाज जस्ट सेइंग दैट यू नो ही इज माय फ्रेंड एंड ही इज बीन माय मेंटोर ऑफ सॉर्ट्स बिकॉज़ वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन अ रेडियो स्टेशन. Unfortunately, आज यहाँ पर आए नहीं है because he's making much more awesome music for you, more in fact, as we speak, he's recording with Farhana and Mr. Bachchan. Exactly, for Wazir, yeah. For Wazir, yes. So yeah, let's wait for that one. और वो गाना भी गुरप्रीत ने लिखा? हाँ, गुरप्रीत सही ने लिखा वो गाना भी. It was him, the same team, but yeah. लेकिन इसी के साथ में मैं music producer भरत गोयल जी को जरूर बुलाना चाहूँगी on stage, so please can we have you? I like that, you know, every time you have to do that for us. All right, please come. We've never had a Marwari composer, by the way. Programmer, by the way. Bharat Goel. Oh, kitna aapne paisa bachaya hai. Creativity aur business ek saath mushkil se aati hai, lekin ye kamaal hai. So from a baniya to a Marwari, you know, ye sawal hona chahiye na. Kitna paisa bachaya hai aapne ye music banate hue. Mic aapke paas hai, usme bol raha hu. उसमें भी अपने कंजूसी नहीं करते हैं अपन. मैं भी या फिर उनको मैसेज कर दो जो आंसर है आपका. नंबर भी आपको मिल जाएगा. यस, मैसेज तो कैनिंग हो जाए बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. यस, डोंट कॉन्ट. इट वाज लवली. या एंड आगे क्या करने वाले हैं आप ये बताइए. सो रोचक इज लाइक अ मेंटोर इवन टू मी. ओह या 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 देम ऑन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. वी मिसिंग यू रोचक. वेयर आर यू प्लीज. आई रोचक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अ थिएटर क्लब इन चंडीगढ़. तो मैं वाइस प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट था. तो ये इसका मेंटोर है, आपका मेंटोर है वो. Please, this should be like on television channels, all television channels. Yeah, you should see this. Okay, thank you so much, Bharat. And also along with this, let's welcome the team of lyricists. जिन्होंने बहुत integral part play किया, obviously, you know, to get such a beautiful song. Please put your hands together and welcome Gautam Govind Sharma and Gurpreet Saini. By the way, these are my juniors from college. बड़े हो गए हम. गौतम तो ज़्यादा बड़ा हो गया. चलिए, आप दोनों को यहाँ पर हम अलग कर देंगे. तुम्हें विभाजित कर दिया जाता है. तू तो चले जा. गुरप्रीत कैसे चले? ड्रेसेस शुड बी टुगेदर. शुड बी ऑन द सेम पेज. अच्छा, एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है लिरिसिस्ट्स को लेकर के, वो ये होता है कि जब आप लोग लिख रहे होते हैं तब क्या किसी एक खास इंसान को देख करके सोच करके लिखते हैं आप? इन दैट केस आप लोगों की मतलब लव लाइफ मस्ट बी लाइक रियली ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, नो? सो व्हाट इज इट लाइक? दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट, यू नो. यूजुअली इकट्ठे लिखते हैं. बहुत सारी लड़कियों को सोच के लिखते हैं. जैसे मैं स्पर्म डोनर था, विकी डोनर, ये स्पर्म डोनर है, देखो घुराले बाल है. तो कुछ भी लिरिक्स डोनेट करता है, लोगों हमें करता है डोनेट. ये बड़ी सही बात है. स्पर्म डोनर. आई मोस्टली फील जब मैं लिखता हूँ मुझे बहुत मतलब दुख में जाना पड़ता है मुझे. आई कांट लाइक अदरवाइज आई कांट राइट. उस दिन ब्रेकअप कर लेता है. सिर्फ 11 बजे के बाद हम बजा सके. रोचक भाई, गौतम बुलाते हैं. एंड तो मतलब ये गाना हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है. वो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो इसलिए अच्छा लगता है सबको भी शायद, इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज हम लोगों ने बहुत द जर्नी इज वेरी लॉन्ग, हम इकट्ठे बहुत रहे हैं. तो वो जो कलेबोरेशन है वो उसमें करने में बहुत मज़ा आता है. वो शायद वो अच्छी भी नहीं लगे. दैट इज़ वाई आई थिंक पीपल लाइक इट. एंड जब तूने मिट्टी दी खुशबू लिखा था बादों में, कितने साल का था? 25. इतना डीप गाना. इतने ब्रेकअप्स हो गए इतने से. 25 साल की उम्र में. एंड यूजुअली यू नो पीपल से दैट एंड यूजुअली पीपल से यू वेरी लकी, यू लव व्हाट यू डू. एंड मोर देन दैट इट्स लाइक आई डू व्हाट आई लव विद द पीपल आई लव. वो एक और भी बड़ी बात है. द बेस्ट. एंड इन सबको, जो पूरी टीम है जिनके साथ मैं काम करता आ रहा हूँ, इनको यही बोलूंगा जब भी मेरी जरूरत हो तो यही हूँ मैं. कितनी गोलू मोलू से क्यूट सी बात कर दी तूने अपनी तरह. अच्छा, एक चीज जो मैं पूछना चाहती थी वो ये थी कि इसमें जो वो विस्लिंग है.